ठीक है चलो। अरे दीदी, बेटा शालू कहाँ चल दिए तुम? और दीदी आप कहाँ जा रही? वो सुंदर रितिका को आशीर्वाद देने जा रही हूँ। उनके यहाँ से बुलावा भी तो आया था। क्या 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 क्या? आप उनके घर जाएंगी? हाँ, और इसमें हर्ज भी क्या है? वो भी तो जानते हैं कि मैंने भी इस शादी के लिए कोशिशें की है। तो क्या आप उन्हें इस बात का एहसान जताने जा रही हैं? दीदी क्या हो गया आपको? क्यों आप इस तरह की अहमकाना हरकतें कर रही हैं? नहीं दीदी, आप देखिए प्लीज वहां नहीं जाएंगी, वहां आपका जाना मुनासिब नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? अगर बुआ जी वहां जाना चाहती हैं तो क्या 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 बेटा क्या? सबसे पहला सवाल तो ये कि ये क्यों जाना चाहती है, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर ये वहां जाती है तो पता इन्हें देखकर लोग क्या कहेंगे? नहीं पता ना, मैं बताता हूं। लोग इन्हें देखकर कहेंगे कि ये रितिका की पहली सास है, जिनके बेटे राकेश को जस्टिस आदित्य प्रताप ने मौत का फैसला सुनाया था। लोग तो कहेंगे कि जो रिश्ता टूट चुका है उस रिश्ते को क्यों जोड़ने चली आई है। तब क्या जवाब होगा आपके पास? आप तो यही कहेंगी ना कि नहीं, मैं अपनी बहू को बहुत चाहती हूँ, बहुत प्यार है, स्नेह है मुझे इससे, इसलिए मैं इसे आशीर्वाद देने चली आई। क्या हो गया दीदी आपको? आप समझती क्यों नहीं है? आज वो किसी और के घर की बहू बनने जा रही है, आप उसे बहू कहने का हक भी गंवा चुकी हैं। आप समझती क्यों नहीं दीदी? आपकी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज लोगों के लिए मुद्दा बन जाएगा, चर्चा का विषय बन जाएगा। सारे बज़म आप तो रुसवा होंगी होंगी, साथ ही साथ रितिका को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। दीदी क्यों आप गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहती है? क्यों उन्हीं बातों को दोहराना चाहती है? मैं आपके हाथ छोड़ता हूं दीदी, प्लीज प्लीज हमें शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज मत जाइए वहां पर। ठीक है, नहीं जाती। तुम भी जाओ ना बेटा।